नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। डिजिटल दौर की तरफ बढ़ रहे देश के लिए म्यूचुअल फंड भी अब डिजिटल हो गया है। अब आप महज अपने मोबाइल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। आप जिस फंड में चाहे उतना चाहे पैसा लगा सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे बैठे। तो आज मनी गुरु में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप मोबाइल से निवेश कर सकते हैं और कैसे म्यूचुअल फंड से आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के शो में क्या खास, कैसे करें मोबाइल से म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत, आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात ये कि डिजिटल की तरफ बढ़ते हुए देश में मोबाइल ऐप, मोबाइल वॉलेट से निवेश का तरीका क्या है, क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका निवेश हो बहुत ही शानदार। साथ ही मोबाइल से निवेश करने के फायदे क्या हैं, फायदों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से आप कैसे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, रिटर्न अच्छा पा सकते हैं, और FD और PPF के मुकाबले म्यूचुअल फंड निवेश बेहतर क्यों है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान है पेटीएम मनी के होल टाइम डायरेक्टर प्रवीण जाधव। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास एपिसोड में, क्योंकि हमने यही बात की कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में मोबाइल से म्यूचुअल फंड में निवेश भी एक अच्छा तरीका है हर किसी को इस दुनिया से जुड़ने का। अगर हम अलग अलग AMCs की बात करें, वो भी बढ़ चढ़ कर इस पूरी अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रवीण सुन पा रहे मुझे? यस, हाँ स्वाति जी, बिल्कुल। प्रवीण, मैं आपसे ये जानना चाहती थी, मोबाइल से म्यूचुअल फंड निवेश ये बहुत ज्यादा पुराना तरीका नहीं है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, लेकिन फिर भी आम लोगों की हम बात करते हैं, आम निवेशकों के फायदे की बात करते हैं, उससे ज्यादा AMCs ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है इस तरीके से लोगों को प्रेरित करने की। तो ये तरीका भुनाने में AMCs ने कैसे कैसे अभी कदम उठाए हैं? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत ही नया तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। कुछ साल पहले, जैसे 3-4 साल पहले, जब मुझे निवेश करना था या किसी और को भी निवेश करना चाहते थे, तो आपको ढूंढना पड़ता था एक AMC का ऑफिस, या एक डिस्ट्रीब्यूटर, या एक एडवाइजर, या एक बैंक में जाना पड़ता था आपको। आपको बहुत ही टाइम लगता था उस चीज़ को शुरू करने के लिए। लेकिन अभी जब से हमने लॉन्च किया है एंड कुछ ही महीनों से काफ़ी लोग अभी पूरी डिजिटल तरीके, विच इज म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करके, अपने घर छोड़े बगैर अपने घर से ही सारा KYC से लेके पूरी ऑनबोर्डिंग लगभग 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। तो वो काफ़ी सहूलियत हुई है इन दिस इंडस्ट्री। एंड इसकी रीज़न ये भी है कि काफ़ी AMC अभी चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जिसमें पहले टाइम लगता था, ये अभी पूरा पेपरलेस हो, पूरा पेपर फ्री हो जाए, ताकि आप आपकी KYC कर दे, आप आपकी डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दे, आप अपनी KYC की इन पर्सन वेरिफिकेशन भी करवाए और अपना बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करवाए, जिससे आप किसी भी 40 AMC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके, तुरंत एक ही सेकंड में। मतलब कुछ मिनटों की बात है जब म्यूचुअल फंड में मोबाइल के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। आपने पेपरलेस शब्द का इस्तेमाल किया, और डिजिटाइजेशन का ये भी मकसद है कि ना सिर्फ पारदर्शिता है बल्कि पेपरलेस वर्क हो, और उससे एक नया तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। ये मैं आपसे चाहती हूँ कि एक जरा प्रोसीजर समझाएं हमारे दर्शकों को, जो कि समझना चाहते हैं कि वो पहला स्टेप से आखिरी स्टेप तक क्या हो जब मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल स्वाति, सो जैसे आप चालू करेंगे म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप, तो आपको लगेगा पहले आपका पैन कार्ड, तो आपको आपकी पैन नंबर डालनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर, जो हम वेरीफाई कराते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। और जैसे ही जब पैन कार्ड वेरीफाई हो जाते हैं, आपको आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, जो आपका नाम, आपका पता, एक एड्रेस की प्रूफ आपको देनी पड़ती है, और एक छोटा सा वीडियो जो 10 सेकंड में होता है, जहां पे आप बताएंगे कि मेरा नाम प्रवीण जाधव है और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी KYC है।
तो ये करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दे देंगे एंड चंद ही मिनट में, लगभग 5 से 10 मिनट में आपकी ये सारी डिटेल्स वेरीफाई की जाती है। उसके बाद आपकी KYC और आपकी इन्वेस्टमेंट रेडीनेस हो जाती है। तो ये स्टेप होने के बाद आप किसी भी AMC के कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि आप किस चीज के लिए निवेश कर रहे हैं। आपको निवेश एक लंबी समय के लिए करना चाहता है और आपका कुछ गोल होना चाहिए। आपका गोल हो सकता है मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, मुझे पैसे जमा पूंजी क्रिएट करनी है 5 या 10 साल के लिए, या फिर मुझे मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, या मुझे कोई वेकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी 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 फैमिली के लिए, आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले ये जानने की किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर कौन से स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए, वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज है। प्रवीण, KYC की आपने बात कही कि पहले ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल फोन पर करें, फिर पैन डिटेल्स मांगी जाती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, एक छोटा वीडियो आपको बनाना है जो भी आपका नाम है कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, फिर वो आगे का प्रोसीजर पूरा हो जाता है। कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि पैन के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जब म्यूचुअल फंड में किसी को निवेश करना है एक ऐप के जरिए, और आधार कितना जरूरी है, क्या आधार देना मैंडेटरी है? पैन के अलावा, पैन आपकी होती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो आपकी ली जाती है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, या आपका रेशन कार्ड हो सकता है, या कोई भी वैलिड जो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो सकता है। आधार की इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है, आधार कंप्लीटली ऑप्शनल है। आपके पास आधार नहीं भी हो सकता है तो भी आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके सही बैंक अकाउंट से आना चाहिए, ताकि जब आप इन्वेस्ट करें वो पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट से AMC के पास चला जाए, और जब भी आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं या अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो ये पैसा सेम वही बैंक अकाउंट में आए जहां से आपने अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाया है। तो ये तीन चीजें हैं जिसके कारण एंड सारे 40 AMC, सारे म्यूचुअल फंड ये स्टैंडर्ड चीजें मांगती है, ताकि आपको कहीं पे भी आप जाए, आपकी KYC हो सकती है, तो आप इमीडिएटली उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो जब मोबाइल ऐप से खास तौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट से पहले ऐप में पैसा डालना होता है और ऐप से वो पैसा म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं। क्या इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में टैक्स की कोई देनदारी भी बनती है? ये जरा मुझे बताइए, ये काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। बिल्कुल स्वाति जी, तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी चाहती है कि म्यूचुअल फंड दो तरीके के आते हैं। एक जो आता है जिसमें, जिसको बोलते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड, और उसी म्यूचुअल फंड स्कीम की और एक वेरियंट आती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। ये दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम एक ही तरीके की होती है, और इसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है ये होता है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपसे कमीशन लिया जाता है, जो एक तरह का फीस है होती है जो आप देते हैं निवेश करने के लिए, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं। और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है उसमें कोई कमीशन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, जब आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, आप उस म्यूचुअल फंड का नाम देखिए और उसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि अगर वो डायरेक्ट है या रेगुलर है। जो डायरेक्ट होगा उसमें बिल्कुल कमीशन नहीं होगा, तो सारा बेनिफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो उसमें आप ही को मिलता है। जो आप बात पूछ रहे हैं जो है टैक्सेशन की, सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं और किस टाइम के लिए ले रहे हैं, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में टैक्स लाभ होते हैं, विड्रॉ करेंगे, जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जिट लोड भी होता है, जिसके कारण अगर आप थोड़ा जल्दी पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जिट लोड आपको वो एग्जिट लोड छोटा अमाउंट होता है वो आपको लग जाता है, बट वो क्लियरली मेंशन किया जा सकता है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। और क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन मोबाइल ऐप के जरिए हो रहा है, क्या इसका कोई रेगुलेटर या रेगुलेशन है? ये हमें पता है कि सेबी रूल सेट करता है, लेकिन अगर किसी का जो पैसा है उसने म्यूचुअल फंड में डाला या कुछ उसको दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, तो कहां पर शिकायत की जा सकती है?
ये आपने एक सही क्वेश्चन पूछा, बिकॉज अगर आप ऐप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है आज की तारीख में। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा फ्रॉम द ऐप या फ्रॉम द AMC इमिजिएटली आ जाता है जब आपके पैसे उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। जब वो पैसे AMC के पास जाते हैं और जो म्यूचुअल फंड जब वो कंफर्म करते हैं तभी भी आपको एक मैसेज आता है, AMC से भी आता है और ऐप से भी आपको मैसेज आता है आपकी ईमेल एड्रेस पे या आपके मोबाइल फोन के कि आपका निवेश हो चुका है। एंड उसी ऐप में आप हमेशा ट्रैक कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपको अगर कुछ कंप्लेन हुई किसी म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर कुछ भी आपको क्वेरी है, तो इसके लिए आप जो भी ऐप कंपनी से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से भी बात कर सकते हैं रेफरेंस देके आपके पैन कार्ड का या आपके मोबाइल नंबर का एंड उनसे पूछ सकते हैं। और किसी कारण की अगर आपका क्वेश्चन और आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है AMC द्वारा या फिर इवन ऐप कंपनी द्वारा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेबी के साथ, जो कि इंश्योर करता है कि आपकी कंप्लेन का आपको सही सही आंसर मिले और उसका आपको फुल क्लैरिटी और रेजोल्यूशन भी मिल जाए। मनी गुरु में आज हम बात करें कैसे अपने मोबाइल से आप म्यूचुअल फंड निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ पेटीएम मनी के होल टाइम डायरेक्टर प्रवीण जाधव है। प्रवीण से हम समझ रहे हैं कि मोबाइल से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके क्या है। मोबाइल ऐप के अलावा मोबाइल वॉलेट से भी निवेश किया जा सकता है, तो इसमें अंतर क्या है अगर मोबाइल ऐप से निवेश करें या फिर मोबाइल वॉलेट से निवेश करें, क्या दोनों समान है या इसमें कुछ अंतर है? स्वाति जी, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये काफ़ी सेम ही होता है। आज के तारीख में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके पेमेंट्स के लिए। तो आज के तारीख में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, आप करते हैं UPI से, और आप कर सकते हैं वॉलेट से, या फिर आप अगर आप हमेशा इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑटो पे, जो होता है एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन, जिस द्वारा आप एक इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं बैंक को कि जब भी आप निवेश करें आपके अकाउंट में से वो उतने पैसे हर माह और जब भी आप चाहे वो AMC को चले जाए। तो मोबाइल वॉलेट या फिर पेमेंट गेटवे और या फिर UPI नेट बैंकिंग, ये सारे तरीके हैं आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप ऑफलाइन भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चेक से कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स इसमें विच यू कैन चूज, आपके सहूलत के हिसाब से आप अपने तरीके से कोई भी चीज, कोई भी म्यूचुअल फंड में अपने पेमेंट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक सही बात अभी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड जैसे पेटीएम मनी ऐप में हम अलाउ करते हैं 200 बैंक से इन्वेस्ट करना। तो अगर आप कोई भी बैंक हो, भले वो बड़ी बैंक हो या छोटी बैंक हो या कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, आप अपनी चॉइस की बैंक अकाउंट में ये पेमेंट इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या कोई एक निवेश सीमा भी है जो तय की गई है? सेबी के रूल्स क्या कहते हैं जब ई वॉलेट से खास तौर पर निवेश की बात आती है म्यूचुअल फंड में? सेबी के रूल ये कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं ई वॉलेट से, जहां पे आप वॉलेट से आप पैसे भरने वाले हैं, तो एक साल में आप सिर्फ 50,000 रुपीज या 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं वॉलेट से। लेकिन ये लिमिट बिल्कुल नहीं है, अगर आप कोई अलग मेथड यूज कर सकते हैं जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड या फिर ऑटो पे विच इज द पेमेंट इंस्ट्रक्शन मैंडेट। तो वॉलेट से आप कर रहे हैं तो 50,000 की लिमिट है, अगर वॉलेट नहीं यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और मिनिमम कितना, मिनिमम से मिनिमम कम से कम कितना निवेश किया जा सकता है प्रवीण? अभी तो काफ़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप 100 रुपये से इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं, जो है कि बहुत ही बेहतर चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेस्टर जो आते हैं उनको जब वो इन्वेस्ट करते हैं वो सोचते हैं कि हम FDs में करें या फिर हम बैंक अकाउंट में पैसे रखें, जहाँ की आपको इंटरेस्ट रेट या आपको जो पैसे के ऊपर आपको जो ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट आपको मिलता है वो काफ़ी कम हो आज की तारीख में, जो लगभग 6-8% तक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है, तो आप 5 मिनट में आप चालू कर सकते हैं अपनी KYC, आपको एक इमीडिएटली मैसेज आएगा कि आप अप्रूव हो सकते हैं, एंड 100 रुपये में आप चालू कर सकते हैं अपना फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ताकि आप समझ सके कि ये कैसे चलता है, आपके पैसे कैसे जाते हैं आपके बैंक से AMC को, और AMC आपको कैसे कन्फर्मेशन देखता है और आपका पोर्टफोलियो कैसे बनता है।
तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक सिंपल चीज है जिसके वजह से काफी नए इन्वेस्टर आज म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख रहे हैं। तो मतलब आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें जिसमें एफडी और पीपीएफ शामिल है, जिसमें लगभग 8% तक ब्याज मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो उसमें उसके मुकाबले कई ज्यादा ब्याज आजकल मिलता है। ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता जरूर है, लेकिन हाँ लंबे समय में अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसमें निवेश करने का तरीका क्या वही है जो कि मोबाइल ऐप में निवेश करने का तरीका है? वॉलेट और ऐप से कुछ अलग है या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इसमें प्रवीण? स्वाति जी, इसमें एक बार जब आपकी केवाईसी हो जाती है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एएमसी या कोई भी फंड, आप किसी भी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद है आपकी पेमेंट करने का, आप उससे कर सकते हैं। और आज की तारीख में नए नए प्रोडक्ट, नए नए इनोवेशन जो आ रहे हैं एएमसी की तरफ से, जहाँ पे उसको बोलते हैं एसआईपी, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो बोलते हैं कि आप कम इन्वेस्ट करें लेकिन हर महीने इन्वेस्ट करें, जिसकी बदौलत आप मार्केट उतार चढ़ाव होता है, जैसे आपने सही कहा, इसमें रिस्क होती है बिकॉज उसके नीचे मार्केट्स, आपके स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस होती है। तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस अगर ऊपर है या नीचे है, ये शॉर्ट टर्म में होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये निवेश बहुत सही है। तो पेटीएम मनी जैसे ऐप में हम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन्वेस्टर को। आप अपनी एसआईपी जब चाहे टॉपअप कर सकते हैं, जब चाहे पॉज कर सकते हैं, जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, या आपको डेट चेंज करनी है आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी आपको फैसिलिटीज मिलती है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए आप बहुत ही सही तरीके से प्लान कर सकते हैं, जो सारी फैसिलिटीज ऑफलाइन में नहीं थी या कुछ कुछ महीनों या कुछ सालों पहले नहीं अवेलेबल थी। क्योंकि ये ऑन द गो सर्विस है, हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, तो ये काफी सहूलियत हो गई है कि मोबाइल से भी म्यूचुअल फंड में निवेश का जो एक नया आयाम है वो खुल गया है। फिर भी हम बड़े शहरों के और उसकी बनस्पत अगर हम टीयर टू या टीयर थ्री शहरों की बात करें तो उसमें भी ये जो चलन है वो बढ़ रहा है प्रवीण, लोग कंफर्टेबल हैं? ये आपने आपने ये बहुत सही बात बताई। और जब से हमने पेटीएम मनी लॉन्च की, हमको 10 महीने हो गए हमारी प्रोडक्ट मार्केट में है। हम देख रहे हैं इन 10 महीनों में अभी पेटीएम मनी के ऊपर 30 लाख यूजर्स आ चुके हैं। एंड ये सारे यूजर्स आए हैं बिकॉज उनको इन्वेस्ट करना है। हम मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं डालते, हम कस्टमर्स के ऊपर कैशबैक नहीं देते। सो ये जो आप गैप देख रहे हैं, इट इज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को अपनी भविष्य के लिए, अपने निवेश के लिए अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और जो भी आपने बात बताई है अभी, ओके, टीयर थ्री एंड टीयर फोर, मतलब जो छोटे छोटे शहर जो है इंडिया में, छोटे शहर, छोटे विलेज, हमारे यहाँ पे 80% इन्वेस्टर हमारे इन छोटे शहरों से आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आज चालू करना चाहते हैं। और इसका कारण हमको ये लगता है बिकॉज अभी अवेयरनेस म्यूचुअल फंड की बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इंडस्ट्री ने एक साथ आके एक एएमपी कैंपेन के अंदर म्यूचुअल फंड से ये कैंपेन ये किया है, तो इस चीज की वजह से अभी म्यूचुअल फंड लोगों को काफी ज्यादा जानकारी होती है। अगर उनको जो भी एडिशनल जानकारी जानती है उनको ऐप पे मिल जाती है, उनको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि ये एएमसी कौन सी है, इनके कौन से स्कीम्स है, इनकी स्कीम परफॉर्म कैसे कर रही है, इनकी कौन फंड मैनेजर है। तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बहुत ही आसान हो गया आज की तारीख में सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लेके आना। एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे शहर से आजकल ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर में प्रवीण, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, तीन जरूरी बातें जो कि मोबाइल ऐप या फिर मोबाइल वॉलेट में म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले किसी भी कस्टमर या किसी भी निवेशक को ध्यान रखनी चाहिए सिक्योरिटी वाइज। सबसे पहली बात आपको जानना है कि आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्स, ताकि आपको पता रहे कि आप एक चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप बीच में ना छोड़े। तो सबसे पहले जाने कि आप आपके क्या क्या गोल्स है एंड कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट रहना चाहते हैं। सेकेंड चीज जानना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में रिस्क होता है। तो आप जैसे हमारे ऐप के ऊपर हम देते हैं रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनेयर, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों को एंड उसके जवाब के बेसिस पे हम दिखाते हैं यूजर को कि आपकी रिस्क कितनी है, आप कितनी क्षमता तक रिस्क ले सकते हैं। तो लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए कि ये क्विक यस
और आखिरी चीज है आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, जाके काफी लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड एंड जाके अभी ये ऑनलाइन है, आपको सारे स्कीम्स सामने दिख जाते हैं, तो आपको सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन से चार या पांच स्कीम्स हैं जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, जिसके आपने स्टडी की है, जिसकी आपने जानकारी ली है इन डिटेल, ताकि आप उन चार पांच स्कीम्स में अगले पांच छह साल के लिए लगातार SIP द्वारा इन्वेस्ट करें। सो मेरे हिसाब से ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट है काफी इन्वेस्टर्स के लिए। एक बेहतरीन तरीका है जो कि तीन तरीके आपने भी बताए, तीन बातें जो ध्यान में रखने की जरूरत है, खुद भी आप प्लान में निवेश कर सकते हैं, सोच समझकर उसको कंपेयर कर सकते हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, पेपरलेस पूरा प्रोसीजर है जिसको आप अपने म्यूचुअल फंड का जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें अपना सकते हैं। प्रवीण जाधव, बहुत बहुत शुक्रिया मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।